हलवा पूड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो फाइन आटा लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने पिंक सॉल्ट ऐड किया है। अगर आप टेबल सॉल्ट यूज़ करें तो कम थोड़ा सा डालें, क्योंकि पिंक सॉल्ट में सॉल्टी फ्लेवर ज़रा कम होता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। याद रहे कि एक ही बार में आपने काफ़ी ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, ऐसा करने से डो बिल्कुल लूज़ हो जाएगी और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा तकरीबन 1 कप पानी इसको गूंदने में लगा है। आप चाहें तो आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसे कवर करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। कम से कम यहाँ पर आधा घंटा आप रेस्ट लाजमी इसको दीजिएगा। अब इतनी देर में चने बना लेंगे। हलवा पूड़ी के साथ जो चने यूज़ होते हैं उसमें ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं होता। मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून घी लिया है, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट लिया है। इसको अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे। याद रहे कि इसको ब्राउन नहीं करना। अब इसमें मिर्च, धनिया पाउडर, कलवंजी और अजवाइन शामिल कर देंगे। आप इस मसाले को कुछ देर के लिए भून लेंगे। फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम टू लो ही रखेंगे। यहाँ हम मसाले को 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे और साथ ही इसमें पानी शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पर चनों का पानी ऐड कर रही हूँ, जो चनों को बॉईल करने के बाद बच गया था। चनों में आप इतना पानी लाजमी डालें कि उसमें कम से कम बॉईल होने के बाद 1 कप लाजमी बच जाए, क्योंकि इसी पानी से ही चनों का फ्लेवर अच्छा आता है। अब साथ ही इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और मसाले को फिर से अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला जब अच्छे तरीके से भून जाएगा तो इसमें से घी सेपरेट हो जाएगा। मसाला अब अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें बॉइल्ड चने ऐड कर रही हूँ। चनों को रात भर भिगो दिया था मैंने 1 टीस्पून सोडा डालकर। नेक्स्ट डे वो पानी निकाल दिया था और फिर से 1 टीस्पून सोडा डालकर मैंने इन्हें बॉइल कर लिया था। याद रहे कि अगर आप चने ओवरनाइट सोक करें तो कभी भी इनको प्रेशर कुक ना करें, ऐसा करने से छिलके बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं। अगर आप इनको सोक करके ना रखें तो आप इनको प्रेशर कुक कर सकते हैं। अब चने भी डाल के मैंने मसाले में अच्छे तरीके से भून लिए थे और कुछ चनों को अच्छे तरीके से मैश भी कर लिया था। इससे थोड़े से चनों का टेक्सचर गाढ़ा हो जाएगा। हलवा पूड़ी के साथ जो चने मिलते हैं उनकी कंसिस्टेंसी ज़रा थिक होती है, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इनमें आलू भी ऐड कर सकते हैं। मुझे आलू नहीं पसंद इसलिए मैंने ऐड नहीं किए। मसाला भूनने के बाद अगर आप चाहें तो आप आलू ऐड कर सकते हैं। उनको थोड़ी देर कुक होने के लिए छोड़ दें और उसके बाद चने ऐड कर लेंगे। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही लजीज चने बनते हैं। आप बाजार के चने भूल जाएंगे। जैसा कि रमजान का मंथ चल रहा है, आप इसको सहरी में भी बना सकते हैं। ये बहुत क्विक बन जाते हैं। जैसे ही चने अच्छे तरीके से पक जाएंगे तो लास्ट में हम दही ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से फेंट कर ऐड कीजिएगा और यही इन चनों का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये ऐड करने से फ्लेवर एकदम बहुत ही चेंज और लजीज बन जाता है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब लास्ट में मैंने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 5 से 10 मिनट इसको हल्की आंच पर कुक करने के लिए छोड़ देंगे और चने रेडी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने इसके अंदर अब 2 हरी मिर्चें ऐड की हैं। ये अचार की मिर्चें हैं, आप चाहे तो आप सादी भी ऐड कर सकते हैं। अब आप इस पूड़ियों के आटे की तरफ चलते हैं। इसको कम से कम आधा घंटा हो चुका है रेस्ट दिए हुए। इसको एक बार फिर से गूंद लेंगे, कम से कम 5 मिनट तक इसे गूंदेंगे। अच्छी पूड़ी बनाने का सीक्रेट इसका आटा गूंदना ही है। जितना अच्छा आटा गूंदा हुआ होगा उतनी ही अच्छी पूड़ी बनेगी। याद रहे कि इसको आम रोटी के आटे की तरह नहीं गूंदना, उससे थोड़ा सा हम डो को हार्ड ही रखेंगे। आप चाहें तो आप मैदे की पूड़ियाँ भी बना सकते हैं और प्रोसीजर उसका भी यही रहेगा। पूड़ी का दूसरा सीक्रेट है रेस्ट। सबसे पहले हम इसकी डो को रेस्ट देंगे, उसके बाद पेड़े बनाने के बाद भी आपने इसको कम से कम आधा घंटा रेस्ट देना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आपने हलवा पूड़ी बनानी है उस दिन ही आप आटा गूंदें। आप एक रात पहले भी इसका आटा गूंद कर फ्रिज में रख सकते हैं, बल्कि बेस्ट ये है कि आप इसके पेड़े बनाकर फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट डे पूड़ियाँ बनाने से 1 घंटा पहले आप इसको बाहर निकाल कर रख दें, ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। पेड़े बनाने के बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से ऑयल को ब्रश कर देंगे और कवर करके इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इसको मैंने यहाँ पर आधा घंटा रेस्ट दिया था और अब पूड़ी को बेल लेंगे। इसको आपने रोटी की तरह बिल्कुल नहीं बेलना, इसको सिर्फ एक डायरेक्शन में बेलें, क्योंकि अगर आप इसको रोटी की तरह बेलेंगे तो ये इकट्ठी हो जाएगी या इसका फटने का खतरा होगा। आप पेड़े का साइज़ अपने पैन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि बाजार में तो अक्सर काफ़ी बड़ा उनका पैन होता है, तो घरों में अमूमन इतने बड़े नहीं होते, तो इसका साइज़ आप अपने पैन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब पूड़ी को दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। अगर ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होगा तो पूड़ी एकदम से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से इसका कलर फौरन आ जाएगा। और अगर ऑयल का टेम्परेचर लो होगा तो पूड़ी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगी। सो तो यहाँ पर टिप ये है कि पहले आपने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है और उसके बाद आँच को आपने मीडियम कर देना है। फिर आप पूड़ी को बेलेंगे और फ्राई कर लेंगे। हलवे की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो अपना प्यारा सा कमेंट करना मुझे मत भूलिएगा।
Thank you.